18 साल तक कांग्रेस में रहने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को करीब 12:30 बजे भाजपा का दामन थामने वाले थे, लेकिन ये समय आगे बढ़ गया था। 2 बजे हुई भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा की मौजूदगी में सिंधिया ने भाजपा की सदस्यता ली। सिंधिया को भाजपा से जोड़ने वाले भाजपा प्रवक्ता जफर इस्लाम भी मौजूद हैं। जेपी नड्डा की मौजूदगी में सिंधिया ने भाजपा की सदस्यता ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया कि उन्होंने अपने परिवार में स्थान दिया। सिंधिया बोली कि मेरे जीवन में 2 तारीख काफी अहम रही है। इनमें पहला 30 सितंबर 2001, जिस दिन मैंने अपने पिता को खोया, वो जिंदगी बदलने वाला दिन है, और दूसरी तारीख 10 मार्च 2020, जहां जीवन में एक बड़ा निर्णय मैंने लिया है। सिंधिया बोले, आज मन व्यथित और दुखी भी है। जो कांग्रेस पार्टी पहले थी वो आज नहीं रही। उसके 3 मुख्य बिंदु है। पहला कि वास्तविकता से इनकार करना, नई विचारधारा और नेतृत्व को मान्यता नहीं मिलना। 2018 में जब MP में सरकार बनी तो एक सपना था, लेकिन वो बिखर चुका है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने वादे पूरे नहीं किए हैं। कांग्रेस में रहकर जन सेवा नहीं की जा सकती। कांग्रेस नेता DK शिवकुमार का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में मौजूद सभी 19 विधायक पार्टी में लौटेंगे, कोई भी भाजपा के साथ नहीं जाना चाहता है। वहीं सिंधिया खेमे में सेंध लग गई है। बेंगलुरु में जो विधायक है उनमें से 13 ने भाजपा में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। इसके अलावा भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने ट्वीट कर कहा कि जयपुर जा रहे विमान के 3 यात्रियों पर जासूसी का संदेह है, उन्हें विशेष निगरानी के दायरे में रखा गया है। इधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने दावा किया कि उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं है, सभी विधायक मुख्यमंत्री से संपर्क में है, विधायक बहुमत साबित करेंगे और 2023 तक सरकार बनाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बागी विधायकों में से कुछ विधायक सिंधिया के भाजपा में जाने से नाराज नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 10 से 12 विधायक वापस लौट सकते हैं। इन्हें साधने के लिए भाजपा ने राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को बंगलुरु रवाना किया। इधर 2 दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मध्य प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। हरियाणा के मानेसर के जिस रिजॉर्ट में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रुके हुए हैं, वहां पर हरियाणा CID को तैनात किया गया है। इधर पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव ने भाजपा पर सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, कांग्रेस 17 मार्च को फ्लोर टेस्ट पास करेगी। इधर ग्वालियर के विधायक प्रवीण पाठक सहित 4 कांग्रेस विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। CM कमलनाथ, विधायक प्रवीण पाठक, दिलीप गुर्जर और चंद्रभान किराड़े को मनाने में जुटे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।